नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने की जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी। संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 सितंबर को धारा 12 के प्रावधानों को किया जा सकता है लागू। डाक संबंधी शिकायतों के लिए ट्विटर सेवा के बाद सरकार ने जारी किया निःशुल्क फोन नंबर। अब 1924 पर कॉल कर उपभोक्ता करा सकते हैं शिकायत दर्ज। सरकार ने 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई करने का दिया भरोसा। ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उठाया कदम। अब सभी कारों में अनिवार्य होगी ओवर स्पीड अलार्म और एयरबैग। भारत में सालाना 5 लाख सड़क हादसों में होती है करीब 1.5 लाख लोगों की मौत। क्रेडिट एडोक्यूसी रेशियो कम होने की वजह से 11 सरकारी बैंकों की साख खतरे में। फिच ने जारी किया अलर्ट। कहा सरकार को बैंकों में बाजार का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए देनी होगी ज्यादा पूंजी। विदेशी ब्रांड को टक्कर दे रहे बाबा रामदेव जल्द शुरू कर सकते हैं फैशन कारोबार। बाबा करेंगे अब जींस का स्वदेशीकरण। बाबा ने कहा बदल सकती है समय के साथ वेशभूषा। ऑनलाइन मार्केटिंग में कंपनियों को पछाड़ने के लिए फ्लिपकार्ट का नया मास्टर प्लान। फ्लिपकार्ट अब देगी 20,000 से अधिक पार्ट टाइम कर्मचारियों को जॉब। फ्लिपकार्ट की राइवल कंपनी स्नैपडील भी जल्द दे सकती है 10,000 पार्ट टाइम कर्मचारियों को जॉब। आइए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 444 अंकों की मंदी के साथ 28,354 पर बंद हुआ। सेंसेक्स सुबह 316 अंकों की गिरावट के साथ 28,481 पर खुला था। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स 28,481 तक उछला और 28,251 तक गिरा। आज निफ्टी में 151 अंकों की गिरावट देखी गई। 151 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 8,716 पर बंद हुआ। निफ्टी सुबह करीब 134 अंकों की गिरावट के साथ 8,733 पर खुला था। दिन भर के कारोबार में निफ्टी 8,747 तक उछला और 8,699 तक गिरा। बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों की बात करें तो आज इनमें भी गिरावट देखी गई। मिड कैप करीब 393 अंकों की गिरावट के साथ 12,952 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप करीब 302 अंकों की गिरावट के साथ 12,560 पर बंद हुआ। बीएससी के 19 में से 2 सेक्टरों में तेजी रही, जबकि 17 सेक्टरों में भारी मंदी देखने को मिली। अर्जगत की खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।